मॉर्निंग मदर टू आर्ट ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास साइंस में, कल के जो चैप्टर था पदार्थ की संरचना, उसमें हमने आपको पदार्थ के बारे में और पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में, पदार्थ के अवस्थाओं के गुणों के बारे में आपको जानकारी दी। आज उसी के आगे चैप्टर सेम है, पदार्थों का वर्गीकरण, यानी पदार्थ को कितने भागों में विभाजित किया गया। पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ विभिन्न प्रकार तीन दिशाओं में वर्गीकृत किए जाते हैं। जो भी पदार्थ हैं वो तीन भागों में बांटे जाते हैं। पदार्थ का जो वर्गीकरण है वो तीन भाग, अब ये तीन भाग कौन से हैं ये आपको बताते हैं कि नंबर एक पर आता है वर्गीकरण का पहला पार्ट है तत्व। यह तत्व क्या, इसके बारे में जाने कि वस्तुएं एक या एक से अधिक पदार्थों से मिलकर बनी होती। जो भी हमारे आसपास की वस्तुएं हैं, जैसे ये चौक, ये चौक आपकी एक या एक से अधिक पदार्थ से मिलकर बनी, और ये पदार्थ के जो अणु है इसमें एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो सकते हैं या अलग अलग परमाणु। ये इसको हिंदी में क्या कहते हैं, फड़िया, ठीक है ना। तो पदार्थ के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हो सकते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। फिर से समझिएगा, तत्व क्या है कि हमारे आसपास जो भी पदार्थ है वो एक या एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बना हुआ। पदार्थ के अणु, पदार्थ के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु क्या होते हैं, एकत्र उपस्थित रहते, प्रेजेंट होते रहते, जिनमें या ऐसे पदार्थ जिनमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं उन्हें तत्व कहते हैं। तत्व के बारे में समझ में आया आपको, ऐसे पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं वे आपके तत्व हैं। दूसरा आता है यौगिक, यौगिक यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से, यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के रासायनिक रूप में संयोग करते हैं। संयोग का मतलब आपस में मिलकर के एक यौगिक बनाते हैं। प्रयोग करने के उपरांत एक यौगिक बनाते हैं, जैसे कि जल। जल क्या है, एक यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के परमाणु मिले, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक। तो इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O,
जल है, चीनी है, नमक है, सिरका है, ये किसके उदाहरण है? यौगिक। फिर से समझिए, यौगिक ऐसे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से रासायनिक रूप में आपस में अभिक्रिया के दौरान बनते हैं, जैसे कि जल, सिरका, चीनी, नमक आदि। तीसरा आपका है इसका वर्गीकरण मिश्रण। मिश्रण तत्व यौगिक और मिश्रण। अब इसमें मिश्रण नाम ही का से पहचान हो रही है, जिस मिश्रण का मतलब एक तत्व में कई तत्व आपस में मिल जाते हैं। जैसे आपके घर में गेहूं चावल आता है तो उसमें भूसे भी होती है, कंकड़ भी होता है, उसको बिन कर को क्या कहलाता है? मिश्रण। तो एक अलग करना, पृथक करना, उसके सफाई करके तभी तो आटा पीसने के लिए डाला जाता है। यहाँ पर मिश्रण क्या है? जब कुछ पदार्थ में या कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व के परमाणुओं में रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, परंतु शुद्ध तत्व और यौगिक नहीं होते, मिश्रण शुद्ध तत्व। जैसे कि मिश्रण में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था कि मिश्रण दो प्रकार के समांगी विषमांगी मिश्रण में, कि अगर हम पानी में चीनी मिला दें, नींबू मिला दें तो क्या बन जाता है? शरबत बन जाता है ना, ये मिश्रण हो गए। तो वही चीज है कि जो क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थ जब आपस में या तत्व मिलते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक नया पदार्थ बना देते हैं और वो शुद्ध नहीं होते तो क्या कहलाते हैं? या तो तत्व कहलाते हैं या यौगिक कहलाते हैं, मिश्रण बन जाते हैं। दोनों के तत्वों को मिला करके जब दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो क्या बन जाता है? मिश्रण। अब मिश्रण के कितने प्रकार होते हैं? मिश्रण को दो भागों में बांटा गया, कौन कौन से? समांगी मिश्रण और दूसरा क्या है? विषमांगी मिश्रण। अब इनके बारे में आपने कक्षा 6 में पढ़ा था, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वे मिश्रण होते हैं जिनमें उनके तत्वों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं? जिनमें उनके तत्वों को अलग अलग देखा जा सकता। ये है, तो आपने अभी देखा तत्व यौगिक और मिश्रण, इनके बारे में और मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी और समांगी मिश्रण। अब आता है प्रतीक और शोध। वर्तमान समय में, आज के समय में अब तक जो भी जानकारी युग वैज्ञानिकों ने खोजी है उसके आधार पर 112 तत्वों की खोज की जा सकती है। पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों ने 112 तत्वों को खोजा है और संसार के सभी पदार्थ
केवल पांच तत्वों से मिला। पांच तत्व तो कौन कौन से हैं? पूरी पृथ्वी का 95% द्रव्यमान, का 95% द्रव्यमान जो है वो पांच तत्वों से बना। पांच तत्व, पांच तत्व कौन से हैं? ऑक्सीजन, इसके बारे में तो आप जानते हैं प्रॉपर्टी की सबसे ऊपरी ऑक्सीजन, सिलिकॉन, लोहा, इसी के साथ
आज आपका यहाँ तक का वर्ग हम आपको समझाए हैं, इसी की इमेजिन आपको कॉपी पर आपके ग्रुप पर भेजी जा रही है। वीडियो से समझ करके कॉपी के वर्ग को राइट करें। थैंक यू।